हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आई होप आप सबने अपना होमवर्क किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपने रफ नोटबुक में किए होंगे, वर्कशीट 5 के। अब हम फर्स्ट पार्ट यहाँ डिस्कस करेंगे। वेरीफाई दैट एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड इज़ नॉट इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाय जेड। लेफ्ट हैंड साइड एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड, वैल्यू ऑफ एक्स -5/3 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वाई 2/7 प्लस वैल्यू ऑफ जेड 1/-4। नेक्स्ट स्टेप -5/3 डिवाइडेड बाय 2/7 प्लस माइनस, अगर इकट्ठे आगे तो माइनस आ जाएगा, -1/4। 7 एंड 4 का आपने एलसीएम लिया 28। 28 को आप 7 से डिवाइड करोगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8। 28 को आप 4 से डिवाइड करोगे 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7। 8 - 7 1 आ गया, ये -5/3 डिवाइडेड बाय 1/28। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, 1/28 किस में चेंज हो जाएगा, 28/1। -5/3 मल्टीप्लाई 28/1 -140/3। लेफ्ट हैंड साइड -140/3। नाउ राइट हैंड साइड एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाय जेड, वैल्यू ऑफ एक्स -5/3 डिवाइडेड बाय 2/7 प्लस -5/3 डिवाइडेड बाय 1/-4। डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2, और यहाँ 1/-4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -4/1। नेक्स्ट स्टेप -35/6 प्लस 20/3। 6 आपने एलसीएम लिया और आपका यहाँ सॉल्व करने के बाद 5/6 आया। राइट हैंड साइड 5/6, लेफ्ट हैंड साइड -140/3। लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन से एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड इज़ नॉट इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाय जेड। ऐसे ही किया आप लोगों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ 40 मीटर ए मैन कट्स सम इक्वल साइज पीसेस। 40 मीटर का एक रोप था, उसमें से इक्वल इक्वल साइज के पीसेस किए। हाउ मैनी पीसेस, कितने पीसेस कट होंगे इफ़ ईच पीसेस ऑफ 4/9 मीटर लेंथ। हर एक पीस की लेंथ जो है वो 4/9 मीटर है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ पीसेस, टोटल लेंथ को लेंथ ऑफ ईच पीस से क्या करोगे, डिवाइड। 4/9 से डिवाइड करना है, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा रेसिप्रोकल, आपका आंसर आ जाएगा 90 पीसेस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक रैशनल्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर फाइंड करने आपने दो रैशनल नंबर्स के बीच में, 6th क्लास में आपने इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स फाइंड किया हुआ है। वहाँ आपने क्वेश्चन किया कि हाउ मैनी इंटीजर्स लाई बिटवीन -1 एंड 2। -1 एंड 2 के बीच में आप बता सकते हो कौन कौन से इंटीजर लाई करते हैं। यस, 0, 1, ये इंटीजर्स लाई करते हैं। वहाँ आपने इंटीजर्स के क्वेश्चन किए हैं बेटा। यहाँ अब 7th क्लास में आपने करना है रैशनल बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। टू रैशनल नंबर्स के बीच में आपने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू रैशनल नंबर, देन हाफ मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के बीच में हमें अगर रैशनल नंबर फाइंड करना है, उसका एक फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। वी कैन फाइंड इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर। हम कितने रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में, इनफाइनाइट। कैसे कर सकते हैं, देखो एग्जांपल है यहाँ पर, रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 2। 0 एंड 2 के बीच में आपसे कोई रैशनल नंबर पूछे, तो एक तो आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा है 0 और 2 के बीच में कौन सा है एक रैशनल नंबर, 1। आपको ये मेथड लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, 1 तो डायरेक्ट पता चल रहा है। और अगर आप मेथड यूज़ करते तो आपका आंसर कैसे आता, 1/2 एक्स प्लस वाई है फॉर्मूला, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की 2, तो आपका आंसर आ जाता 2/2, ये आपका आंसर आ गया 1। नेक्स्ट, और रैशनल नंबर आप कैसे फाइंड कर सकते हो, जैसे अब 0 एंड 2 के बीच में हमने फाइंड किया 1। अब ऐसे ही आप जो 1 आ गया 0 और 2 के बीच में, ये
वन आ गया, जैसे यहाँ ज़ीरो है यहाँ टू है तो इसके बीच में वन आ गया। अब हम ज़ीरो और वन के बीच में फाइंड कर लेते हैं। ज़ीरो के और वन के बीच में बिल्कुल मिड में क्या आएगा, देखो वन बाय टू, वन बाय टू ज़ीरो प्लस वन। अब ये क्या आ गया, वन बाय टू। पहले आपने किया ज़ीरो एंड टू के बीच में क्या आया, वो वन। फिर ज़ीरो और वन के बीच में क्या आ गया, वन बाय टू। ऐसे ही अब नेक्स्ट किया हुआ है वन एंड टू के बीच में, तो इसके बीच में क्या आ गया, थ्री बाय टू। ऐसे ही अब नेक्स्ट किया हुआ है ज़ीरो एंड वन बाय टू के बीच में, ज़ीरो एंड वन बाय टू के मिड में क्या आएगा, वन बाय फोर। क्या आ जाएगा यहाँ पर, वन बाय फोर। ये देखो वन बाय फोर आया, हाफ़ इंटू ज़ीरो प्लस वन बाय टू, वन बाय टू हो गया वन बाय फोर। नेक्स्ट फाइव बाय फोर कैसे आया, फाइव बाय फोर आया वन एंड थ्री बाय टू के बीच में। तो ऐसे ही हम ज़ीरो और टू के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स अनलिमिटेड, वी कैन फाइंड अनलिमिटेड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। कितने रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो आप, अनलिमिटेड। आपको नंबर लाइन पर भी शो किया हुआ है, देखो ये ज़ीरो और टू के बीच में आपने वन फाइंड किया पहले, फिर ज़ीरो और वन के बीच में वन बाय टू हो गया, वन और टू के बीच में थ्री बाय टू हो गया, फिर ज़ीरो एंड वन बाय टू के बीच में वन बाय फोर हो गया। ऐसे ही ये तो कितने रैशनल नंबर देखो फाइंड कर सकते हैं, ऐसे यहाँ ये ज़ीरो और वन बाय फोर के बीच में वन बाय एट हो गया। वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, कि हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। इंटीजर्स अनलिमिटेड नहीं कर सकते थे बेटा, हम रैशनल नंबर अनलिमिटेड कर सकते हैं। इंटीजर तो ज़ीरो और टू के बीच में ओनली वन ही है, कौन सा है, वन। तो इंटीजर्स हम अनलिमिटेड नहीं फाइंड कर सकते, रैशनल नंबर्स अनलिमिटेड फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्कशीट सिक्स क्वेश्चन वन, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट मीन्स इसमें जो मिस्टेक है उसे करेक्ट करना है। फर्स्ट है बिटवीन टू रैशनल नंबर वी कैन फाइंड ओनली वन रैशनल नंबर। क्या आप दो रैशनल नंबर के बीच में ओनली वन रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, नहीं, ओनली वन की जगह क्या आएगा, इनफाइनाइट। ओके, सेकेंड है बिटवीन टू रैशनल नंबर वी कैन फाइंड एज मैनी इंटीजर्स। क्या हम दो रैशनल नंबर के बीच में अनलिमिटेड इंटीजर फाइंड कर सकते हैं, नो, इंटीजर्स की जगह क्या आएगा आपका, रैशनल नंबर। बिटवीन टू रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड मैनी रैशनल नंबर्स एज वी लाइक। नेक्स्ट पार्ट, बिटवीन टू इंटीजर्स वी कैन फाइंड एज मैनी इंटीजर एज वी लाइक। जितने इंटीजर हम चाहते हैं उतने फाइंड कर सकते हैं, नो, बिटवीन टू इंटीजर्स वी कैन फाइंड एज मैनी रैशनल नंबर्स। तीनों सेम से ही हैं कि दो इंटीजर्स के बीच में हम रैशनल नंबर जितने चाहते हैं उतने फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन टू, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू एंड फोर। तो टू एंड फोर के लिए आपको वन बाई टू एक्स प्लस वाई वाला मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि टू एंड फोर के बीच में रैशनल नंबर कौन सा है, थ्री। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, वो भी आपका सही है, बट अगर आप डायरेक्ट करोगे तो वो भी सही है। देखो आंसर दोनों से ही यही आएगा। नेक्स्ट माइनस टू एंड माइनस सिक्स के बीच में, ये आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा है माइनस टू एंड माइनस सिक्स के बीच में, तो माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव ये सब इंटीजर्स हैं और ये इंटीजर रैशनल नंबर्स भी तो हैं, इसे हम लिख सकते हैं माइनस थ्री बाय वन माइनस फोर बाय वन माइनस फाइव बाय वन। ऐसे ही अब वन बाय फोर एंड माइनस थ्री बाय फोर के बीच में ज़ीरो ज़ीरो, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं वन बाय फोर एंड माइनस थ्री बाय फोर। वन और माइनस थ्री के बीच में जो इंटीजर्स हैं वो लिख दो और बाय में फोर डाल दो। वन एंड माइनस थ्री के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं, ज़ीरो माइनस वन माइनस टू, दोनों का डिनोमिनेटर फोर है तो इसमें फोर डाल दो दोनों के सबके डिनोमिनेटर में, इसे ज़ीरो ही लिख सकते हैं, ये माइनस वन बाय फोर और नेक्स्ट माइनस टू बाय फोर। यहाँ आपसे एक ही पूछा था बट ये मैंने सारे बता दिए जो डायरेक्ट पता चल रहे थे।
नेक्स्ट है इंसर्ट थ्री रैशनल नंबर बिटवीन 4 by 13 and 1 by 13. 4 by 13 and 1 by 13 दो तो देखो डायरेक्ट पता चल रहे हैं, 2 by 13 and 3 by 13 दो डायरेक्ट पता चल रहे हैं. अभी पूछे आपसे थ्री हैं तो एक आप वो मेथड लगा के कर लो, 1 by 2 into x plus y. अब x और y की वैल्यूज़ मैंने कौन कौन से ले ली, मैंने एक ले लिया 4 by 13 और एक ये ले ली 1 by 13. तो 4 by 13 और 1 by 13 के बीच में हमने रैशनल नंबर्स एक इस मेथड से फाइंड कर दिया, 1 by 2 x plus y. अगर आपने सारे 1 by 2 x plus y वाले मेथड से करने हैं तो आप सारे भी कर सकते हो. ओके.